अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट इन हैंड। आज हम स्ट्रॉबेरीज मिल्क शेक बनाने वाला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट तरीके से बनेगा और बहुत ही मज़े का बनता है, क्विक बन जाता है बहुत। तो उसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं तकरीबन 250 ग्राम, और उनके मैंने जो ग्रीन पार्ट होता है वो उतार कर इसको साइड मिड से मैंने कट कर लिया है। अब हम इन स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करेंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि जिस भी फ्रूट का हम मिल्क शेक बना रहे होते हैं वो थोड़ा फ्रीज और चिल हो तो फिर मिल्क शेक का तो मज़ा ही दोबारा हो जाता है। देखिएगा फ्रीज हो चुकी है, थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, चिल हो गई है हमारी ये स्ट्रॉबेरीज। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा फ्रीज होकर थोड़ी सी ये देखिए हार्ड हो गई है, चिल हो चुकी है ये। अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, जग में डालकर हम इसको सारी स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल देंगे। एक तो मैं रख दूंगी गार्निश के लिए, बाकी सारी मैं इस जग में डालकर दूध डालूंगी इसमें तकरीबन 2 ग्लास। ये 2 ग्लास मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, 1/4 कप चीनी मैंने ली है, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी आइसक्रीम, जिससे तो शेक का मज़ा होगा दोबारा, जो कि बन जाएगा बच्चों का बहुत फेवरेट। अगर आपके बच्चे मिल्क शेक नहीं पीते तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपने बच्चों को शेक पिलाएं और वो तो दीवाने बन जाएंगे मेरे मिल्क शेक के। मैंने दो इसमें चम्मच आइसक्रीम भी डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, हम इतना ब्लेंड करेंगे कि जो स्ट्रॉबेरीज हमारी हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिएगा ब्लेंडिंग हो रही है, और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको मिल सके। देखिएगा हमारा शेक ब्लेंड हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको अफ्तारी में बना सकते हैं, आप इसको वैसे नॉर्मली गर्मियों के मौसम में बना सकते हैं। देखिएगा हमारा जो है मिल्क शेक रेडी हो चुका है। अब हम इसको ग्लासेस में डालेंगे, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।